अस्सलाम वालेकुम। ताबानी पंजवानी ग्रुप के साथ मैं मोहम्मद अली पंजवानी मॉर्निंग ब्रीफिंग लेकर हाजिर हूँ। सुबह बखैर। आज बरोज 21 दिसंबर मंगल का दिन है। ट्रेडिंग का हम देखेंगे तो सेकंड डे है। ओआईसी के कामयाब इजलास के बाद जो है वो अमेरिका ने अफगानिस्तान की जो इमदाद रोक रखी थी, अफगानिस्तान को जो पेमेंट्स रोक रखी थी, उसका जो है वो इंडिया दे दिया है कि वो बहाल हो जाएंगी। और इसके साथ जो है अभी न्यूली अपॉइंटेड सेनेटर जनाब शौकत तरीन साहब जो है उन्होंने भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में जो है मीडिया से ये कहा है कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो अब स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। जो मामला बिगड़ना शुरू हुए वो अगस्त के महीने से हम देखें तो बिगड़ना शुरू हुए ज़्यादा, जब जो यूएस डॉलर है, पाक रुपी टू यूएस डॉलर का जो हमारा डिफरेंस है वो बढ़ना शुरू हो गया। उसमें हमने देखा कि इंपोर्ट बिल भी हमारा बढ़ रहा था, वो भी हमें हिट कर रहा था। इसके साथ एक और फैक्टर था जो अफगानिस्तान की तरफ स्मगलिंग हो रहा था डॉलर, तो वो मामला भी काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हो गए थे जिसने डॉलर की ऊंची उड़ान दिखाई और डॉलर जो है वो बेकाबू नज़र आया। तो अब ये लग रहा है, अभी उम्मीद हो चली है कि जैसे ही यूएस जो इमदाद है, जो पेमेंट्स है वो बहाल कर देगा। जो ओआईसी में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इकदाम थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के, मौजूदा गवर्नमेंट के उन्होंने जो है वो अफगानिस्तान के इशू को हाईलाइट किया ओआईसी की मीटिंग इजलास करके, और पूरी दुनिया की जो यानी रिप्रेजेंटेटिव थे, डिग्नेटरीज थे, उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि अफगानिस्तान में जो खाना जंगी के मामला थे वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए और उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पर भी आ रहा है। तो ये हमारी माशी एक्टिविटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। जैसे ही यानी अफगानिस्तान में मामला स्टेबल होंगे और जो रुपी है वो यानी हमारा डेप्रिशिएट नहीं करेगा, डॉलर स्मगल नहीं होगा, तो हमारे जो इन्फ्लेशन के और दीगर नंबर्स हैं वो भी काबू में आना शुरू हो जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अभी हालिया आदाद व शुमार के हिसाब से जो नवंबर में हमने जो इम्पोर्ट की है तो हमारा इम्पोर्ट बिल काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हुआ है और 1.91 अरब डॉलर की जो है यानी ये करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन हो गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। नवंबर में जो है वो रिकॉर्ड नंबर यानी ये चीज़ देखने में आई है स्टेट बैंक की तरफ से। इसके साथ यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है उसमें जो है वो यूरोपीय कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट जनाब जोसेफ बोरेल साहब जो हैं उन्होंने यानी ये चीज़ हाईलाइट की कि पाकिस्तान ने जो पास्ट में FATF से रिलेटेड जो मामला थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किए और जो कंप्लाइंसेस है उसको बखूबी निभाया और मामला को उस तरफ ले गए कि पाकिस्तान जो है वो बहुत जल्द यानी ग्रे लिस्ट से निकल सकता है। इसके साथ उन्होंने इन चीज़ों का खदशा जाहिर किया कि जिस हिसाब से अभी ये जो ब्लैस्फेमी लॉ जो है उसका मिसयूज़ हो रहा है और जो भी एक शेमफुल इंसिडेंट हुआ हमने विटनेस किया जो मॉब लिंचिंग का सियालकोट में, तो उसमें उन्होंने ये चीज़ हाईलाइट की हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को कि जो ये इस तरह के मामला जो हैं वो हमें जो हमारा GSP प्लस स्टेटस है और FATF में हमें यानी थोड़ा इन चीज़ों की वजह से हमें मजीद यानी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, यानी पाकिस्तान को कुछ ठोस इकदाम उठाने पड़ेंगे और इस तरह के मामला चलाना पड़ेगा कि जो ये एंटी टॉर्चर बिल जो है और यानी ह्यूमन राइट्स है और इसके साथ साथ जो जर्नलिस्ट हैं, मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके ऊपर जो टॉर्चर उनके जो मामला थे, तो ऐसे बिल लाने पड़ेंगे, पार्लियामेंट में ये चीज़ें अप्रूव करानी पड़ेंगी ताकि जो FATF से और GSP प्लस स्टेटस जो है हमारा जो अभी खतरे में है, जिसके मामला यानी बिगड़ सकते हैं अगर हमने ये चीज़ें क्लेरिफाई नहीं की, इन मामला को सही से ठीक नहीं किया, इनके सॉल्यूशंस पे नहीं गए, तो यूरोपीय यूनियन भी जो है वो थोड़ा बहुत हमारे साथ बैकडोर पे जा सकता है। पाकिस्तान इस वक्त इस ध्याने पे खड़ा है कि पाकिस्तान के इन्फ्लेशन के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इसके साथ हम देखें तो इंटरेस्ट रेट भी जो है वो रिकॉर्ड पूरे खित्ते में जो हम देखें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। हमारा जो डॉलर है, डॉलर टू रुपी यानी जो हमारा डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और जो डॉलर की ऊंची उड़ान ने हमारी इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा हिट किया है। इसके साथ हम देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी डिसाइड की गई है उसमें अमल दरामद प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है और जो मसले मसाइल आ रहे हैं कि यानी इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। हम FATF में जो है वो
एक प्रोलॉन्ग चलते जा रहे हैं और एफएटीएफ के मामला से हमें क्लीन चिट नहीं मिल रही है। जहां भी हम क्लीन चिट के नजदीक जाते हैं तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट आ जाता है मुल्क में जो यानी हमें बदनामी का भी बायस बनता है और हमें मजीद जो है वो इस तरह के वॉच लिस्ट में हमें रखा जाता है और हमारे मामला दुरुस्त कराए जाते हैं। तो यानी गवर्नमेंट को जो है वो इन चीज़ों पे डे बाय डे एक्शन लेना पड़ेगा और इस तरह के मामला चलाने होंगे कि जो ये ह्यूमन राइट्स और इस तरह के मसले मसाइल जो क्रिएट किए जाते हैं, जो आर्टिफिशियली क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें हो सकता है कुछ बैरूनी ताकतें भी इन्वॉल्व हों कि पाकिस्तान थोड़ा डिस्टेबलाइज हो और पाकिस्तान के मामला खराब रहें, तो यानी गवर्नमेंट को डे ऑन डे बेसिस पे इन मामला को जज करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा और इनके ऊपर कुछ ठोस इकदाम लाने पड़ेंगे ताकि जो एफएटीएफ है और जो यूरोपीय यूनियन का और जो ये मसला जो ये मामला हमारे चल रहे हैं जिससे हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पे इम्पेक्ट पड़ सकता है, जीएसपी प्लस स्टेटस अगर हमारे से चले जाता है तो हमारे जो एक्सपोर्ट है, वैसे हमारी इम्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इम्पोर्ट के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो जो हमारी एक्सपोर्ट है जो थोड़ा बहुत यानी डेंट को रिकवर कर सकती है, तो जीएसपी प्लस स्टेटस भी जो है अगर चले जाता है और इस तरह के मामला बनते हैं कि यानी गवर्नमेंट जो है वो बैकडोर यानी बैकफुट पे जाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को हर्ट कर सकता है। टेक्निकल डेटा इस मुताबिक है, डे चार्ट पे अगर हम देखें तो मार्केट ऊपर की चाल है, मार्केट का जो रेजिस्टेंस है वो 45,511 पर है। आरडी चार्ट पर अगर हम देखें तो मार्केट का जो सपोर्ट बन रहा है वो 43,688 पर है। मार्केट में जो इंडेक्स है उस इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें नज़र आ रही है, विटनेस हो रही है और मार्केट जो है वो 1,000 पॉइंट प्लस, 500 पॉइंट माइनस, 900 पॉइंट माइनस, 2,000 पॉइंट प्लस, ये कोई मार्केट के लिए बड़ी बात नहीं है, इंडेक्स के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, वॉल्यूम्स कम है और अभी जो टारगेट बन रहा है कल जो बजट आएगा मिनी बजट उसके भी मामला तकरीबन सेटल हो चुके हैं, मार्केट ने उसको भी डिस्काउंट कर दिया है, जो यानी 360 यानी बिलियन रुपीस का जो मजीद टैक्स लगने हैं, जो एग्जेम्पशन दी थी चीज़ों में तो मजीद दोबारा लगने हैं, तो उसको भी मार्केट डिस्काउंट कर चुकी है। अब जो मार्केट का टारगेट है वो यानी दिसंबर क्लोजिंग देना है, पिछले साल की जो दिसंबर क्लोजिंग है वो 43,800 पर थी, तो मार्केट जो है यहाँ से पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट यहाँ से 45,700, 45,900 या 46,000 पॉइंट्स का मार्केट यानी इंडेक्स दिखा सकती है, इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अभी जो मार्केट के लेवल्स हैं उस हिसाब से ये कोई टारगेट ज़्यादा दूर नहीं है और इजीली अचीवेबल है, तो मार्केट में जो है आप थोड़ा यानी जितना हो सके मौका मिले तो जहां आपको यानी मार्केट ज़्यादा ऊपर नज़र आए तो वहां सेल ऑन स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करें, बाइंग ऑन डिप में जब आपको लगे कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट हो चुकी है, इंट्राडे में 300 पॉइंट 400 पॉइंट मार्केट नीचे जा रही है इसके, वहां पर आप डिप पे बाइंग करें, कोशिश करें कि ज़्यादा जो है ट्रेडिंग में इन्वॉल्व ना हो, ईयर एंड है, इसके बाद जो वीक आएगा वो वीक होगा, रोल ओवर वीक होगा, तो मार्केट अपने आप को एडजस्ट करेगी, मार्केट में जो लोगों ने तेजी की है तो उनकी पोजीशन स्क्वायर होंगी, तो ये सारे मामले थे, तो लिहाजा जितना हो सके आप जो है कोशिश करें कि अगर आप 100 रुपये की परचेजिंग कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप 25 रुपये की परचेजिंग करें, आप उसका 25% जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग करें आप अपने हिसाब से। वंस अगेन जो यानी पेनी स्टॉक्स है, जिन स्टॉक्स में सट्टे का यानी अमल दखल ज़्यादा है तो आप कोशिश करें कि उनसे थोड़ा मोहतात रहें, कॉशियस एक्टिविटी रखें और यानी अकॉर्डिंगली काम करें। रिचर्ड बे कोल प्राइस का डेटा इस मुताबिक है, जो कोल के अभी रेट हैं वो 142.65 डॉलर चल रहा है और इसने जो है 1 डॉलर का गेन किया है, परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 0.71% है। WTI क्रूड ऑयल का रेट इस मुताबिक है 67.14 डॉलर पर बैरल चल रहा है और इसने जो यानी नेगेटिव किया है वो 3.72 डॉलर नेगेटिव हुआ है, परसेंटेज वाइज देखें तो 5.25% नेगेटिव हुआ है। इसका क्रूड ऑयल नीचे आने की मेन वजह ये है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो दोबारा यानी काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, काफ़ी ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे दोबारा रिस्ट्रिक्शंस लगी जा रही हैं, और फ्रांस के हम मामला देखें तो फ्रांस में भी जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से डिटेक्ट हो रहा है और फ्रांस में जो है यानी न्यू ईयर ईव्स की भी जो तकरीबात है वो भी हो सकता है कि मुअत्तल कर दी जाए।
इसके साथ हम देखें तो जो फाइजर की नई ड्रग जो है, नई गोली है प्लेक्सोविड, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है यूएस में। यूएस ने इनिशियली 5.2 मिलियन डॉलर का जो है 1 मिलियन डोजेस का ऑर्डर दिया था, और अब जो है इसकी सप्लाई कम हो गई है और माल की शॉर्टेज विटनेस हो रही है। तो ओमिक्रॉन का भी जो ये मामलात हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो यानी हम देखें तो कमोडिटी प्राइस को नीचे लेके जा रहे हैं। तो यानी इससे हमें ये लग रहा है कि जो इन्फ्लेशन जो है उसमें स्टेबिलिटी नज़र आएगी। इसके साथ थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकते हैं ग्लोबली, तो उससे भी सप्लाई चेन जो है दोबारा मुतासर हो सकती है। तो इस तरह के अनसर्टन मामलात हैं, तो लिहाजा वंस अगेन आप जो है कॉशियस अप्रोच इख्तियार करें, ट्रेडिंग करें। तो ट्रेडिंग में अगर आपके पास वंस अगेन 100 रुपये हैं तो 25 रुपये की ट्रेडिंग करें। फीबीलिपी का डेटा इस मुताबिक है, टोटल 6 बायर हैं, इसमें बैंक्स, कंपनी, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी, ओवरसीज पाकिस्तानी। सेलर में 4 सेलर हैं, इनमें ब्रोकर्स, इंडिविजुअल, म्यूचुअल फंड और ऑर्गेनाइजेशंस। इंडेक्स वैल्यूएशन इस मुताबिक है, मार्केट का करंट इंडेक्स 44,339 पर है, मार्केट ने 439 पॉइंट गेन किए हैं। मार्केट की पिछली क्लोजिंग 43,900 पर थी। टोटल 27 करोड़ शेयर का काम हुआ है, जिस वजह से 14 करोड़ शेयर सेटल में है। सेटलमेंट का परसेंटेज अगर हम देखें तो 54.30% है। KSE 100 का पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5.12 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.58 खरब रुपए की है। इजाफा 248 कंपनी में हुआ है, गिरावट का शिकार 76 कंपनी है जबकि बरकरार 19 कंपनी है। एक साल का रिटर्न अगर हम देखें तो 1.31% है, अब तक का रिटर्न अगर हम देखें तो 1.34% है। डे रेंज इस मुताबिक है, मार्केट ने नीचे 43,808 का लो बनाया जबकि ऊपर 44,484 का हाई बनाया। 52 हफ्तों का रेंज इस मुताबिक है, मार्केट ने नीचे 42,688 का लो बनाया जबकि ऊपर 48,981 का हाई बनाया। सपोर्ट, मार्केट का पहला सपोर्ट 44,040 पर है जबकि दूसरा सपोर्ट 43,120 पर है। रेजिस्टेंस जहां से सप्लाई आ सकती है, मार्केट का पहला रेजिस्टेंस 45,511 पर है जबकि दूसरा रेजिस्टेंस 46,983 पर है। CSF कैश सर्विस फ्यूचर डेटा, वो स्क्रिप्ट जिनमें फ्यूचर में ज्यादा काम हुआ है, 14 कंपनियां ऐसी हैं, इसमें से एक एक्सट्रीम, 5 मॉडरेट। MFS मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम इन हाउस बदला लोकल जबान में, 19 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें ज्यादा बदला खड़ा है, इसमें से 2 हाई 2 मॉडरेट। MTS मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम नेशनल क्लियरिंग का बदला, 17 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें ज्यादा बदला खड़ा है, इसमें से एक एक्सट्रीम, 2 हाई। लो सेटल स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट जिनकी सेटलमेंट कम हुई है, 31 कंपनियां ऐसी हैं, इसमें से 1 हाई 7 मॉडरेट। टेक्निकल हाई लो का डेटा इस मुताबिक है, एक कंपनी ऐसी है जिनके टेक्निकली मामला काफी ज्यादा हाई हैं और जिसके RSI और दीगर मामला जो है वो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। इसके बरक्स अगर हम देखें तो एक कंपनी है जो काफी ज्यादा टेक्निकली डिस्काउंटेड है। ये था मार्केट का करंट डेटा। स्टॉक मार्केट से मुतालिक मालूमात और अपडेट के लिए जुड़े रहिए तावानी पंजवानी ग्रुप के साथ। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कमेंट सेक्शन से अपनी राय से हमें आगाह करें। शुक्रिया।